नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। 5 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ तो आनुवंशिक तौर पर उसे लड़की माना गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसमें लड़कों के गुण ज्यादा नजर आने लगे। डॉक्टरों ने उसका सेक्स चेंज सर्जरी की सलाह दी। ऐसे में उसके माता पिता के सामने संकट खड़ा हो गया है। मामला महाराष्ट्र के बीड जिले का है। यहाँ 5 साल की एक बच्ची में पिछले 2 साल से अचानक लड़के जैसे लक्षण नजर आने लगे। हार्मोन्स चेंज की वजह से उसके शरीर में लड़कों की तरह बदलाव हो रहा है। माता पिता पहले अपनी बेटी में हो रहे इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाए, बाद में उसके व्यवहार में लड़कों के गुण साफ तौर पर नजर आते हैं। माता पिता उसे लेकर डॉक्टरों के पास पहुंचे तो उन्होंने मेडिकल परीक्षण के आधार पर बताया कि उनकी बेटी की ग्रोथ बेटी की तरह हो रही है। उन्होंने सेक्स चेंज कराने की सलाह भी दी। इसके लिए मासूम को 5 सर्जरी से होकर गुजरना होगा और करीब 15 लाख रुपए का खर्च होगा। दिक्कत ये है कि मासूम के पिता ट्रक ड्राइवर किस तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, ऐसे में उनके लिए सेक्स चेंज ऑपरेशन का खर्चा उठाना संभव नहीं है। ऐसे में परिजन अब मदद की आस लगा रहे हैं कि कोई उनकी बेटी को बेटा बनाने के लिए मदद करे। इससे पहले बीड जिले में ही पुलिस कांस्टेबल ललिता सालवे ने सेक्स चेंज सर्जरी कराई थी। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक गुहार लगाई थी। बाद में राज्य सरकार की तरफ से उसे सर्जरी की मंजूरी मिली थी। ललिता की एक सफल सर्जरी हो चुकी है, जबकि 6 महीने बाद इसकी दूसरी सर्जरी की जाएगी। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।